के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के विरोध में जहां राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में इसी मामले के विरोध में उतर आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में ये जो बालिका गृह है, इसमें जब से ये रेप कांड का खुलासा हुआ है उसके बाद पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है और लोग लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। मैम, क्या किन मांगों को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि अभी जितने भी ये दोषी हैं तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये जो न्याय हो रहा है, ये जो मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में हो। 11 औरतें अभी तक मिसिंग है और ये अरेस्ट नहीं हुई है जो इसमें लिप्त है। मधु करके एक महिला का नाम आ रहा है जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है और यही है कि जो भी लोग हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि कुछ उनको ना हो। हमारी मांग ये है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनफैक्ट हम फांसी की डिमांड करते हैं। हमारे जो है हमारी मांग सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग है जो उसमें जो लिप्त हैं, जो औरतें भी उसमें लिप्त अभी तक वो अरेस्ट नहीं हो पाई हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए जो और इनको जो ब्रजेश ठाकुर को इनकी सजा न होने की जगह फांसी का हुक्म कराया जाए। बिल्कुल मैम, क्या कहेंगे? हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है जिस तरीके से बिहार के अंदर बालिका गृह जो सरकारी तंत्र के उसमें आते हैं और उन बालिकाओं के साथ 34 बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ जिसमें से 2 बच्चियां प्रेग्नेंट हैं, 11 बच्चियां लापता हैं, समाज कल्याण मंत्री का पति इसमें इन्वॉल्व है, ब्रजेश ठाकुर जैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, हम ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग करते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर न्यायिक जांच नहीं होती है और 34 बच्चियों को न्याय नहीं मिलता है तो बिहार में सड़कों पर उतरेगी। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर उतरे? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें इस दुष्कर्म में लिप्त है, नीतीश कुमार सरकार के जितने भी पदाधिकारी मंत्री सबका इस्तीफा के साथ साथ में सबको जेल होनी चाहिए। ब्रजेश ठाकुर जैसे लोगों को राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस डिमांड करती है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ में नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पे अपने CM पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं इनका साफ तौर से कहना है कि जो मुख्य आरोपी है इस मामले में ब्रजेश ठाकुर, उसको फांसी होनी चाहिए और नीतीश कुमार को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए। कैमरामैन भोपाल रावत के साथ सुमंत कुमार, APN दिल्ली।